हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेस्ट 40 इंच की वन टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे। पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। चेस्ट है 40 इंच, शोल्डर है 1.25 इंच, आर्मोल है 6 इंच, फुल लेंथ है 14 इंच, नेक है फ्रंट का 6 और बैक का है 9 इंच। तो ये हमने सिंगल पेपर लिया, तो यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ है 14 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 15.5 इंच लिए हमने पेपर, जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, 15.5 इंच। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। शोल्डर है 1.25 इंच, 1.25 इंच में हम निशान लगाएंगे। फ्रंट का नेक है 6 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे। सॉरी, हम बैक का नेक ले रहे हैं यहाँ पे, तो बैक का नेक लेंगे हम 9 इंच। 9 इंच में हम 1/2 इंच मिलेंगे, 9.5 इंच। इस तरह से अब इसका हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे इस कॉर्नर बनाएंगे और यहाँ पे नेक का शेप देंगे। आप नेक का शेप कोई भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप देती हूँ इस तरह से। आर्मोल है 6 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे शोल्डर राउंड के लिए। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट का 1/4 है 10 इंच और इसमें हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच लेंगे, 12 इंच में निशान लगाएंगे और इसे हम ये तीनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन देंगे शेप इस तरह से। 2 इंच में हम बैक का आर्मोल के लिए पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से हम कार्मोल का शेप देंगे इस तरह से। यहाँ से हमने लिया 12 इंच, तो 1/2 इंच हम नीचे की ओर कम लेंगे। बाद में फिटिंग करते वक्त वेस्ट का 1/4 लेके उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे इस तरह से हमने। अब हमें 4.5 इंच में निशान लगाना है बैक टक्स के लिए और ऊपर की ओर 4.5 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन देनी है और उसके साइड से 1/2 इंच पे हमें तिरछी लाइन देके इस तरह से तिरछी लाइन देनी है 1/2 इंच पे। ये हमारा बैक टक्स रहेगा। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये दूसरा पेपर लिया। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ में हमने 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमने 5.5, जो फुल लेंथ है 14 इंच, तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया, तो 15.5 इंच का हमने ये पेपर लिया है। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। शोल्डर है 1.25 इंच। फ्रंट का नेक है 6 इंच, उसमें हम 1/2 इंच मिलेंगे, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे और इसका बॉक्स बनेंगे हम। इसे हम नेक का शेप देंगे
तरह से। अब हम आर्मोल लेंगे, आर्मोल है छः इंच, उसमें हम आधा इंच में लेंगे, साढ़े छः इंच में सीधी लाइन देंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, चेस्ट है 40 इंच, उसका 1/4 है 10 इंच, उसमें 2 इंच लेंगे 12 इंच, तीसरे हम इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ से हम 1 इंच पे फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे और आधा इंच पे इसे हम शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे आधा तिरछी लाइन देंगे। अभी हम ये 6 इंच का सेंटर निकालेंगे, 3 इंच इस तरह से आधा इंच पे हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ से क्रॉस पट्टी निकालेंगे, जो बेल्ट यहाँ के लिए हम बेल्ट निकालेंगे 3.5 इंच पे। जितना हमने लिया 12 इंच, उससे हम आधा इंच कम लेंगे 11.5 इंच, 11.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम ये साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसे हम ये तिरछी लाइन देंगे इस तरह से। ये हमने तिरछी लाइन से इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने यहाँ से बेल्ट के लिए 3.5 इंच लिया है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। अब इसे हम इस तरह से मिलाएंगे, क्रॉस पट्टी का शेप देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से। अब हमें इसका सेंटर निकालना है शोल्डर का, ये आता है 3.25 इंच। 3.25 इंच का हम सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब ठीक नीचे हम इस तरह से ये हमारी स्केल रखेंगे, स्केल की हम बराबर सीधे नीचे क्रॉस पट्टी पे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ ये हमारा बस पॉइंट रहेगा, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर 2.5 इंच पे इस तरह सीधी लाइन देंगे और उसके साइड से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये 1 टक्स तैयार रहेगा। अब इसे हम कट करेंगे। इस तरह से ये 1 टक्स आएगा, 1 टक्स का। और यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा ये। इस तरह से हमारे 40 इंच चेस्ट की 1 टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।